हमारे YouTube चैनल हिंदू न्यूज़ की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने माता भुवनेश्वरी देवी के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने भुवनेश्वरी शक्तिपीठ नीलकंठ ऋषिकेश के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। माता भुवनेश्वरी का यह सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? श्री भुवनेश्वरी सिद्धपीठ ऋषिकेश के नीलकंठ के समीप ब्रह्मकूट पर्वत के शिखर पर भवन गांव में स्थित है। भवन गांव प्रकृति के गोद में बसा एक मनोरम पहाड़ी गांव है और इसी के मध्य स्थित है श्री भुवनेश्वरी सिद्धपीठ। श्रावण मास तथा शारदीय नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंदिर की छटा देखते ही बनती है। माता भुवनेश्वरी यहाँ पर कैसे स्थापित हुई? स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार पर ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त कालकूट नामक हलाहल विष के सेवन के समय माता सती ने भगवान शिव के गले में अंगूठा लगाकर विष को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। विषपान के पश्चात भगवान शिव विष की तपन से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। विष की तपन से व्याकुल होकर के भगवान शिव एकांत और शीतल स्थान की तलाश करते हुए कैलाश पर्वत छोड़कर के चुपचाप निकल पड़े। समस्त हिमालय पर्वत पर विचरण करते हुए महादेव मणिकूट पर्वत पहुंचे। यहां मणिकूट, विष्णुकूट, ब्रह्मकूट पर्वतों के मूल में मणिभद्रा व चंद्रभद्रा नदियों के संगम पर पुष्कर नामक तीर्थ के समीप एक वट वृक्ष की छांव में समाधि लगाकर कालकूट की विष के तपन को दूर करने के लिए इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ 60,000 वर्षों तक समाधि लगाए हुए बैठे रह गए थे। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर किसी को भी ज्ञात नहीं था कि भगवान शिव कहाँ गए। भगवान शिव का कहीं कोई पता नहीं चलने पर माता सती, शिव के परिजन तथा समस्त देवतागण मिलकर भगवान शिव को खोजना प्रारंभ कर दिए। खोजते खोजते 40 वर्ष बीत जाने के बाद माता सती को पता चला कि भगवान शिव मणिकूट, विष्णुकूट तथा ब्रह्मकूट पर्वतों के मूल में मणिभद्रा तथा चंद्रभद्रा नदी के संगम पर विष्णु पुष्कर नामक तीर्थ के समीप एक वट वृक्ष की छांव में समाधिस्थ होकर कालकूट विष की तपन को शांत कर रहे हैं। भगवान शिव के बारे में पता चलते ही माता सती कैलाश से यहाँ आ गईं, लेकिन देवी सती के आगमन के उपरांत भी भगवान शिव की समाधि नहीं खुली। ऐसी स्थिति में माता सती ने भगवान शिव की समाधि स्थल से आग्नेय दिशा में ब्रह्मकूट नामक पर्वत के शिखर पर चंद्रभद्रा नदी के उद्गम स्थल के पास बैठकर तपस्या करने लगी। जब इस स्थान पर माता सती को तपस्या करते हुए 20,000 वर्ष व्यतीत हो गए तब भगवान शिव की समाधि खुली। यहां तक भगवान शिव की समाधि को 60,000 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। माता सती के इस अनन्य तप के कारण यह स्थान सिद्धपीठ कहलाया। देवताओं के विशेष अनुरोध पर माता यहीं पिंडी के रूप में विराजमान हुई। यह माता भुवनेश्वरी का रूप लाल बजरंगी के रूप में प्रदर्शित है। माता भुवनेश्वरी का मंदिर आसपास स्थित 8 गांवों का मुख्य मंदिर है। माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का जीर्णोद्धार दिनांक 13 अप्रैल 1997 को ऋषिकेशवानंद के द्वारा करवाया गया था। ऋषिकेशवानंद निर्धन निकेतन खड़खड़ी हरिद्वार के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे। मंदिर की व्यवस्था प्रबंधन हेतु किसी भी समिति की स्थापना नहीं की गई है। मंदिर में वर्षों से एक ही वंश के पंडित एक वर्ष तक बारी बारी से मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। पुजारी बदलने की यह प्रक्रिया शारदीय नवरात्रि के समय की जाती है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर गढ़वाल मंडल विकास निगम का विश्राम गृह भी स्थित है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश से समीप होने के कारण यात्रियों को विश्राम, ठहरने, भोजन तथा जलपान आदि की समस्या नहीं होती है। आवागमन के साधन। यदि आप भुवनेश्वरी माता मंदिर में दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वरी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए नीलकंठ से दो रास्ते हैं।
पहला पैदल मार्ग है जो कि नीलकंठ से सिद्धेश्वर बाबा के मंदिर होते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। दूसरा मार्ग नीलकंठ सड़क मार्ग से पार्किंग के पास से एक कच्ची सड़क मोटर मार्ग है जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके भवन गांव तक पहुंचता है। यदि निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जो कि भुवनेश्वरी देवी मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो जौली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून जो कि भुवनेश्वरी देवी मंदिर से मात्र 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माता भुवनेश्वरी की यात्रा मूल रूप से ऋषिकेश से प्रारंभ होती है और ऋषिकेश रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप ऋषिकेश तक रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने नीलकंठ ऋषिकेश में स्थित भुवनेश्वरी माता के बारे में सब कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि इस जानकारी को सभी लोग प्राप्त कर सकें और यहां तक आकर के माता भुवनेश्वरी का दर्शन लाभ प्राप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी तीर्थ स्थल की नवीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भुवनेश्वरी माता।